क्या आप लोग भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हो लेकिन 1v4 सिचुएशन में आप लोग हक देते हो? तो यार अब आप लोग हकने नहीं वाले हो, क्योंकि तुम्हारा भाई बताने वाला है कुछ ऐसा टिप्स जिसकी मदद से गाइस आप लोग को कॉन्फिडेंस रहना है एंड साथ ही साथ गाइस आप लोग इजी पीजी 1v4 क्लच कर सकते हो, वो भी अकेले। क्या आप लोग चाहते हो कि आप लोग पूरी स्क्वाड को अकेले मार दो? अगर चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो पसंद आते हो क्लिक जरूर से कर देना। तो चलो बिना टाइप के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पॉइंट नंबर वन, अब बात कर लेते हैं गाइस कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर 1% नहीं है, वो इसलिए क्योंकि गाइस जब आप लोग के ऊपर 1v4 का सिचुएशन आता है तब गाइस आप लोग के मन में बस एक ही चीज चलता है, अब तो मैं लॉबी गया, मैं तो नहीं मार सकता। एंड साथ ही साथ ये भी चलता है मेरा केडी गया, मेरा रैंक, अब मैं सीधा का सीधा लॉबी जाने वाला हूँ। ये सब चीजें बहुत ज्यादा चलता है जब गाइस आपके ऊपर 1v4 का सिचुएशन होता है। लेकिन एक चीज नहीं चलता, वो ये कि गाइस यहाँ पर मैं मार दूंगा इस सिचुएशन में, पूरी की पूरी स्क्वाड को मैं अकेले मार सकता हूँ, संभाल सकता हूँ, लेकिन ये सब तो नहीं चलता, फलाना ढमकाना बहुत सारी चीजें चलता है इसके अलावा। तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ गाइस आप लोगों को कॉन्फिडेंस कैसे लाना है। तो आप लोग में से बहुत सारे बंदे ना जोनाथन गेमिंग को जानते हो, कि अगर जानते हो और फॉलो भी करते हो और गेम प्ले काफी ज्यादा पसंद आता है उनका, तो उनका गाइस आप लोग वीडियो तो जरूर से देखते हो। और यहाँ पर वो क्या कहते हैं आप लोग को पता ही होगा कि जब भी मेरे को बंदा दिखता ना तो बस मेरे मन में यही रहता है कि मैं बस मार सकता हूँ उस एनिमी को। तो यही आप लोग को बैठाना है, आप लोग को जो भी एनिमी दिखे ना आप लोग को ये नहीं सोचना कि अब मैं लॉबी जाने वाला हूँ, ऐसा वैसा आपको कुछ भी नहीं सोचना, बस एक चीज़ सोचना है कि मैं मार सकता हूँ। और साथ ही साथ गाइज इसी में आपका कॉन्फिडेंस आने वाला है। और अगर गाइज आप लोग कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तब गाइज आप लोग जाओ यूट्यूब पे अपने फेवरेट स्ट्रीमर या फिर जो भी आपके यूट्यूबर है ना उनका गाइज आप लोग गेम प्ले देख लो, लाइव देख लो, जो भी देख लो उनमें क्लच वगैरह करते हैं ना, तो वो सब क्लच देखकर आया करो जब आप लोग मैच स्टार्ट किया करो। तो उसमें गाइज होता क्या ना, जब वो क्लच करते हैं 1v4 तो वो सिचुएशन आप लोग देखते हो तो आपके अंदर ना अलग सा एकदम भाई लोग बोले तो कॉन्फिडेंस आता है, और साथ ही साथ गाइज आप लोग को एकदम नॉर्मल लगता है। और साथ ही साथ अगर जब आप लोग को पास वो 1v4 का सिचुएशन आता है तब गाइज आप लोग उसी तरीके से उतना ज़्यादा पैनिक नहीं होते, उसी तरीके से आप लोग हैंडल करते हो। तो आप लोग हमेशा YouTube पे जाओ, जो आपका बेस्ट यूट्यूबर है उसका गाइस आप लोग 1v4 का क्लच देख लो, अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर गाइस आप लोग TDM वगैरह में जाओ, प्रैक्टिस करो, या फिर गाइस आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में थोड़ा सा ट्रेनिंग कर सकते हो उसके लिए, तो या गाइस आप लोग कुछ इस तरीके से कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो चलो यार पॉइंट नंबर टू की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर टू, अब बात कर लेते हैं गाइस 1v4 क्लच आप लोग कैसे कर सकते हो। मतलब बहुत सारे बंदे ना सोचते कि काश हम भी कर पाते 1v4 क्लच, बट उतना ज्यादा भी हम लोग प्रो नहीं है। तो या गाइस आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसा टिप्स जिसकी वजह से गाइस आप लोग 1600 स्क्वाड में आराम से बंदे को मार सकते हो इजी पीजी, वो भी 1v4 क्लच। तो या गाइस आप लोग सोच रहे कि मैं आप लोग को बताऊंगा कि TDM में जाओ ऐसे प्रैक्टिस करो फिर जाके गाइस ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ ऐसे, जिससे मैं आप लोग को नहीं बताने वाला हूँ। सिंपल गाइस आप लोग क्या करना है, इरेंगल में आप लोग तो खेलते होगे, तो उसमें गाइस आप लोग क्या करो स्क्वाड खेलना शुरू कर दो। ऐसे में होगा क्या, आपके टीममेट वहां पे नहीं रहेंगे तो आपको सब सिचुएशन ना अकेले हैंडल करना पड़ेगा। तो ऐसे में गाइज आप लोग क्या करोगे, जब पूरी की पूरी स्क्वाड आपके सामने रहेगा तो आप लोग कुछ दिनों तक तो मरते रहोगे, बट कभी कभी ऐसा होगा कि एक दो बार गाइज आप लोग क्लच कर दोगे अकेले। तो ऐसे जब आप लोग धीरे धीरे स्टार्ट करोगे ना एक दो क्लच से, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे अकेले हैंडल करते हैं बिना टीममेट के। तो जब गाइज आप लोग बिना टीममेट के अकेले 1v4 क्लच करना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे ये होता है, मतलब एक दो बार बहुत ज़्यादा, एक हफ्ते में एक आध बार हो जाएगा, तो आप लोग समझो कि हाँ मेरा प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो गाइज अगर आप लोग का फर्स्ट टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लच बहुत है आप लोग के लिए एक हफ्ते में, बट आप लोग देखोगे कि एक हफ्ते में 2-3 क्लच हो जा रहे, एक दिन में 2-3 क्लच हो जा रहे, तब गाइज आप लोग समझ जाओ कि बहुत ज़्यादा फाड़ खेलने लगाना है। तो या गाइज आप लोग को 1600 स्क्वाड खेलना, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग 1600 स्क्वाड क्लच कर सकते हो, मतलब 1v4 का सिचुएशन आराम से अकेले हैंडल करना चाहते हो, तो ये आप लोग कर सकते हो, 1600 स्क्वाड खेलना शुरू कर दो। तो चलो पॉइंट नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, अब गाइज आप लोगों को कभी भी पैनिक नहीं होना है अगर आपके ऊपर पूरी की पूरी स्क्वाड आ जाए। अगर आप लोग पैनिक होते हो ना तो आप लोग एक कोने में जाकर बैठ जाते हो और एनिमी को तो पता है कि आप हो यहाँ पर, और वो ग्रेनेड मारना शुरू कर देते हैं मौले वगैरह, तो ऐसे में आप लोग एक ग्रेनेड से सीधा लॉबी पहुँच सकते हो। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कैम्प बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग बहुत ज़्यादा जो नूब प्लेयर होते हैं ना बॉट जैसे, वो सब ये सब हरकत करते कि कोने में जाके बैठ जाते हैं जब कोई पूरी की पूरी स्क्वाड ठोकते हैं। अगर उसको लोकेशन आपका मालूम है ना तब कैसे आप लोग तो बचोगे नहीं, अगर लोकेशन नहीं मालूम है तब ठीक है,
क्योंकि गाइस ऐसे में होगा क्या, आप लोग एक दो बंदे को उसका टपका सकते हो कैम करके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो सबको पता चल गया और फिर भी आप लोग कैम करें तो ये गाइस आप लोग बहुत ज़्यादा हो गया कर रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है, एक ग्रेन में आप लोग साफ हो सकते हो, पूरा लॉबी जा सकते हो। तो आप लोग को ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करना है कि एक कोने में जाके बैठ जाना है। आप लोगों को कुछ ना कुछ करना है ताकि बंदी को लगे कि सामने वाला प्रो प्लेयर है, वो सब थोड़ा सा पैनिक हो जाए और साथ ही साथ गाइस उतना ज़्यादा खतरनाक डिसीजन नहीं ले पाए। ऐसा होता है ना कि काफ़ी बार आप लोग एक दो नॉक कर देते तो सामने वाला जो टीममेट होता है ना एनिमी का, वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है, उसको ये समझ नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे। तो आप लोग को वैसे ही करना है कि गाइस आप लोगों को क्या करना है, एक दो बंदे को टपकाना है और सीधा का सीधा उसको फिनिश करना है। ऐसे में सामने वाले को लगेगा हाँ ये थोड़ा सा प्रो लग रहा है बंदा, और साथ ही साथ गाइस आप लोगों को थोड़ा सा फ्लेवर्स का यूज़ करना है, स्मोक वगैरह कर देना है, तभी गाइस ऐसे लगेगा कि हाँ सामने वाला तो प्रो प्लेयर है। तो ये ऐसा करके आप लोग थोड़ा सा बचा सकते हो खुद को। तो चलो यार गाइस बस यार आज के लिए देखते हैं, अगर आप लोग को आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना एंड चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। मैम के बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू गाइस।